हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। हमने पिछली क्लास में राइट्स ऑफ पार्टनर्स की बात की थी। पार्टनरशिप डीड से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके थ्रू आपको पार्टनरशिप डीड बहुत आराम से समझ आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे पार्टनरशिप डीड में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर दो पार्टनर, दो पर्सन या पार्टनर का हो या पर्सन का हो, दो पर्सन किसी एक चीज पे एग्री हो जाएं, किसी एक चीज पे एग्री हो जाएं, तो हम उसे एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। दो पर्सन किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री हो जाएं कि चलो हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, मेरा प्रॉफिट ये रहेगा, तुम्हारा प्रॉफिट ये रहेगा, मैं काम करूंगा तुम मत करना, या हम दोनों काम करेंगे, ठीक है, मैं 4 घंटे काम करूंगा, मैं 6 घंटे काम करूंगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे जिसपे ये लोग राजी हो जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट है ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अब रिटन और ओरल दोनों हो सकता है, तो ये बात किसने बोली है कि ये एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों हो सकता है? ये बात बोली है पार्टनरशिप एक्ट ने। कितने, किसने बोली है? पार्टनरशिप एक्ट ने, 1932 में। इसने कंपलसरी नहीं किया है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन हो या ओरल हो, इसने ये बोला है कि दोनों हो सकता है, वो दोनों ही एग्रीमेंट ओरल है। टर्म्स एंड कंडीशन पे बात की है, मतलब पार्टनर ने टर्म्स एंड कंडीशन ओरली बात की है तो भी वो एग्रीमेंट है, रिटन है तो भी एग्रीमेंट है। तो पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि इन पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वो रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। अब रिटन एग्रीमेंट अगर वो है तो हम उस चीज को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। मतलब कि पार्टनर जब किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे राजी होते हैं तो उसे बोलते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ओरल हो सकता है और रिटन हो सकता है। जो रिटन एग्रीमेंट होता है हम उसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे बहुत ही अच्छे से लिखा है, द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, मतलब कि जिस कंडीशन पे एग्रीमेंट बना हुआ है उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप डीड होता है तो ये डॉक्यूमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। इस डॉक्यूमेंट में सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लिखी होती है हम उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या क्या लिखा होता है मैं आपको दिखाता हूं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म, मतलब कि फॉर्म कहां पर खुला है, फॉर्म का क्या नाम है, मतलब कि किस नाम से पार्टनरशिप को स्टार्ट किया जा रहा है और किस जगह स्टार्ट किया जा रहा है, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। फिर इसके बाद जितने पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं उनका नाम, उनका एड्रेस वो भी लिखा होगा। टाइप्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेसिस, प्राइमरी सेक्टर के बिजनेस कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर के बिजनेस कर रहे हैं, टर्सरी सेक्टर के बिजनेस कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरीके का भी बिजनेस कर रहे हैं वो इसमें लिखा होगा, ठीक है। कौन सा पार्टनर कितना पैसा लगा रहा है फॉर्म में वो लिखा होना चाहिए। जैसे ए कितना पैसा लगा रहा है, ए 4 लाख लगा रहा है तो ये लिखा होना चाहिए। बी कितना पैसा लगा रहा है, 5 लाख लगा रहा है तो ये लिखा होना चाहिए। ये सारी चीज लिखी होनी चाहिए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक कंडीशन है जिसपे पार्टनर्स एग्री होते हैं, जैसे कि जिसने जितना पैसा लगाया है उसको उस पर ब्याज मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो ए ने 4 लाख लगाया तो उसे 4 लाख इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बी ने 5 लाख लगाया तो बी को 5 लाख इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंटरेस्ट पे बात है तो ठीक, देखो लिखा वेदर इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड, मतलब कि पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा तो किस परसेंट से दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो नो लिखा होना चाहिए।
उसके बाद ड्रॉइंग, हाउ मच अमाउंट द पार्टनर आर इंटाइटल टू विड्रॉ, मतलब कि अब जैसे ये पार्टनर है तो इनका पार्टनर है तो इनका घर का पर्सनल खर्चा भी तो होगा भाई, हाँ पर्सनल खर्चा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब इस कंडीशन में ए के पास खुद का खर्चा है, बी के पास खुद का खर्चा है, सी के पास भी खुद का खर्चा है, ए कहेगा मैं 1 लाख निकालूंगा, बी कहेगा मैं 2 लाख निकालूंगा मंथली, सी कहेगा मैं 3 लाख मंथली निकालूंगा, तो इस बात पे तो सभी में बीच में क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसलिए क्या होता है पार्टनरशिप डीड में ड्रॉइंग का अमाउंट लिखा होता है, अगर ड्रॉइंग कर रहे हैं तो कितना अमाउंट ड्रॉ विड्रॉ कर सकते हैं, अगर 1 लाख लिखा है तो इसका मतलब है हर आदमी विड्रॉ 1 लाख करेगा, ऐसा नहीं है कि मैं 1 लाख करूंगा तुम 2 लाख करोगे 3 लाख, नहीं हर पार्टनर के विड्रॉ की एक अमाउंट लिखी होनी चाहिए कि हाउ मच अमाउंट पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कितना निकाल सकते हैं वो लिखा होना चाहिए, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। इसके बाद क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आप पार्टनरशिप में हैं ड्रॉइंग कर रहे हैं तो ड्रॉइंग करते हैं तो ड्रॉइंग से क्या होता है एक घाटा होता है, ड्रॉइंग से एक घाटा होता है, पता है क्या होता है घाटा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। देखिए जब ये फर्म है, ये फर्म है, ये पार्टनर है, ये पार्टनर है, तो फर्म से अगर ये पैसा निकाल रहे हैं, ये भी पैसा निकाल रहा है और ये भी पैसा निकाल रहा है, तो फर्म में से पैसा कम होने लगता है, फर्म के पास पैसा कम होने लगता है, और जब फर्म के पास पैसा कम होता है ना तो पता है क्या होता है बिजनेस ग्रोथ नहीं करता है, क्या चीज बिजनेस ग्रोथ नहीं करता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ये ड्रॉइंग तो करते जाएंगे, ये मनमानी करेंगे, तो पार्टनरशिप डीड में एक बात लिखवाई जाती है सभी पार्टनर द्वारा क्योंकि ड्रॉइंग को प्रमोशन न किया जाए, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये बात लिखी जाती है कि अगर कोई भी ड्रॉइंग करेगा तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्या होगा इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा तो इंटरेस्ट का रेट लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए इंटरेस्ट का रेट लिखा होना चाहिए। अगर ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लगेगा तो ठीक, अगर नहीं लगेगा तो हाँ नो लिखा होना चाहिए, वेदर इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट इज चार्ज के नहीं, चार्ज का मतलब इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं, ड्रॉइंग पे, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा तो कितना परसेंट चार्ज होगा ये भी लिखा होना चाहिए, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का 2 पर्पस है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक तरह का प्रॉफिट होता है फॉर्म बिजनेस के लिए और ये ड्रॉइंग को प्रमोशन नहीं करने देता, ड्रॉइंग ना कर पाए पार्टनर इसलिए होता है। इसमें इसके बारे में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाता, अगर टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है तभी चार्ज होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो चार्ज नहीं किया जाता। इसके बाद सैलरी, किसी पार्टनर को सैलरी देना है क्योंकि वो बंदा काम कर रहा है, देना है तो कितना देना है ये लिखा होना चाहिए, अगर नहीं लिखा है तो उसे सैलरी नहीं दी जाती है, ठीक है। गुडविल, गुडविल मतलब कि जब किसी बिजनेस का फर्म का गुडविल निकालना है तो किस मेथड से निकालेंगे, इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे जब चीनी PSR पढ़ेंगे, मेथड ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको पता चलेगा किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सारी चीजें लिखी होती हैं कि किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करना है। देखिए लॉ कभी नहीं कहा कि पार्टनरशिप डीड बनाइए, लेकिन लॉ ये कहता है कि पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो उससे क्या होगा, एक लीगल एविडेंस होगा जिसके थ्रू डिस्प्यूट्स नहीं होंगे पार्टनर्स के बीच में। बात समझ में आ गई, ये क्लास आपको कैसी लगी, अगली क्लास में हम बात करेंगे अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।